शिवपुरी जिले के फिजिकल क्षेत्र में जल संकट गहराया हुआ है। पिछले 15 दिनों में वार्ड 29 संजय कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं की गई है। इसी को लेकर संजय कॉलोनी के रहवासियों ने परशुराम चौराहे पर चक्का जाम किया। दरअसल लोगों की मांग है कि उन्हें पिछले 15 दिनों से मड़ीखेड़ा का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वह काफी परेशान बने हुए हैं। वहीं वार्ड की महिलाएं भी सड़कें पर उतर आई हैं। कष्ट हो चुकी है, 15 दिन हो गए और ना कोई इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है नगर पालिका में, प्रशासन में। नगर सही बात, 1 महीने चल रहा है, हम लोगों को 5 से 2 टैंकर दिए जाते, मतलब 1 टैंकर में 12 ड्रम, मतलब 2 टैंकर मतलब 24 ड्रम, 24 ड्रम हम किस चीज को पानी पिलाएंगे। नगर पालिका का कोई रूप रेखा नहीं है, 15 दिन हो गए हैं, कोई प्लानिंग नहीं है ना कुछ, जनता को लेकर कोई प्लानिंग है। संजय कॉलोनी है बेचारे, कहाँ से टैंकर मंगवाएंगे। देखने में ये आया है कि यहाँ के सभी लोग, कुछ हमारे कर्मचारी या पंप टेंडर, उनके कार्य व्यवहार से बहुत नाराज है और जिस तरीके की शिकायत मिली है और गंभीर शिकायत है, उन सभी पे मैं आज कार्रवाई कर रहा हूँ कि ऐसे जो पंप टेंडर अगर इस तरीके से जनता के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे और अपना काम समय पर नहीं करेंगे, ऐसी लापरवाही करेंगे, अगर ऐसी तुच्छाचारिता चलेगी तो उन पर मैं गंभीर कार्रवाई आगे भी करूँगा और कठोर करूँगा। आज मैं उन लोगों को निलंबन का नोटिस दे रहा हूँ और निलंबित भी कर दूंगा। यहाँ पर 4-5 वार्डों का हमें समस्या समझ में आई है और कि ये है कि कहीं पानी में दूर से सप्लाई हो रही है, तो हम कोशिश पूरी आज से ये करेंगे। और वैसे मैंने बनाना शुरू कर दिया, टैंकरों का सिस्टम भी बनाना शुरू कर दिया, ऐसे जो एरिया जहाँ पर गरीब बस्ती है ना, कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए नगर पालिका फ्री टैंकर अलॉट करता है, उन्हीं के लिए नियम भी है। हम उन्हीं के लिए पूरा नियम और चार्ट बना रहे हैं, संबंधित वार्ड पार्षद को भी हम सूचना कर देंगे, जिससे वहाँ पर समान मात्रा में हम टैंकर भेजें। सर,